जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोचा में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। हमारे पास ये जनरल का बोर्ड है जिसे हम कोशिश करेंगे आज रिपेयर करने की। हमने इसमें पावर लगाकर देखी तो देखा कि इसमें कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, पूरी तरह से ये बोर्ड बंद है। तो शुरू कर देते हैं, इसको रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पावर देकर देखेंगे इसमें क्या हुआ है। पहले हमने इसको फिजिकली टेस्ट किया, फिजिकली मीन्स आँखों से ऐसे ही ऊपर ऊपर से देखा। यहाँ से एक प्रिंट जल गया और ये वाला प्रिंट साथियों डीसी मोटर का है, जो इसकी ब्लोअर मोटर होती है आउटडोर की। तो इसका मतलब आउटडोर मोटर शॉर्ट हो गई है, तो आउटडोर मोटर शॉर्ट होने की वजह से ये प्रिंट जला है। अब सिर्फ अगर ये प्रिंट जला है तो यह तो सीधा 300 वोल्ट से कनेक्ट होता है, तो प्रिंट जलने से तो इसमें पावर सप्लाई बननी चाहिए। यहाँ मीटर रख लेते हैं और मीटर को हम कंटिन्यूटी पर लगा लेते हैं। तो आप देखेंगे ये वाला प्रिंट नीचे से जा कर के और यहाँ 300 वोल्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जीरो से कम ओम आ रही है। तो जब डायरेक्ट कोई चीज़ कनेक्ट होती है या फिर शॉर्ट होती है तो 1 ओम से कम रेजिस्टेंस हो सकती है, 1 के आसपास हो सकती है। और अगर सीधा अगर हम इसे ऐसे मिलाकर देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इतनी ही रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो ये इतना इसमें एरर है साथियों। अगर हम इसको आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पर हमें 0.033 ओम्स दिखाई देता है, तो ये इसका एरर है। तो जब भी हम इसको ऐसे चेक करेंगे तो उतना हम घटा देंगे उसमें से, एरर को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उतनी ही रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 0 ओम है। तो ये प्रिंट नीचे से जा कर के यहाँ आ गया है और यहाँ से सीधा इस मोटे वाले कैपेसिटर पर कनेक्ट है। ये आप देख सकते हैं ये मोटे वाला कैपेसिटर 660 माइक्रोफेराड और 450 वोल्ट में है। सबसे पहले हम इसे ऑन करके देखेंगे इसकी अभी कंडीशन क्या है। पावर ऑन कर देते हैं हम इसे और मल्टीमीटर को हम यहाँ रख लेंगे। फिलहाल बंद हो गया, ऑन कर लेते हैं और हम इसको वोल्टेज पर लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को हमने वोल्टेज रेंज पर लगा ली है और कहीं से भी हम एक प्रॉब अपनी ग्राउंड पर रखेंगे। ग्राउंड साथियों इसको कहते हैं, ये जो कैपेसिटर की धारी आप देख रहे हैं नेगेटिव, इसके साथ जितने भी प्रिंट कनेक्ट होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे, यानी कि ग्राउंड। तो ये वाला कैपेसिटर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसका भी ये वाला ग्राउंड रहेगा। तो हम एक प्रॉब अपनी यहाँ लगा लेते हैं ग्राउंड पर। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड पर लगा ली है। सबसे पहले हम इसी की वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला मोटर का कनेक्टर है, ये मोटर का कनेक्टर है, तो इसकी भी यह है वाली पिन जो सबसे दूर होती है अलग, यह 300 वोल्ट होती है जिसका प्रिंट जल गया, और यह वाली पिन ग्राउंड होती है। तो ग्राउंड के बाद साथियों 15 वोल्ट की पिन होती है। तो यहाँ भी हम देखेंगे तो हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे ये इसमें 5 वोल्ट का कैपेसिटर है, यहाँ पर इसमें 5 वोल्ट होती है, तो हम यहाँ कनेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ भी साथियों हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। इसी कैपेसिटर पर देख लेते हैं तो यहाँ हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब साथियों इसमें पावर या तो नहीं आ रही है या फिर इसकी SMPS ख़राब हो गई है। तो सबसे पहले हम रेक्टिफायर पर देखेंगे। आप देख सकते हैं ये इसका रेक्टिफायर है, तो हम रेक्टिफायर पर वोल्टेज चेक करेंगे। रेक्टिफायर की दोनों पिन जो बीच वाली होती हैं ये AC इनपुट होती है, तो हम यहीं पर देखेंगे वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं 237 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। अब हम इसके आउटपुट में देखेंगे तो DC पर कर लेंगे मीटर को, ये DC पर आ गया DC वोल्टेज पर। और यहाँ देखेंगे
तो 320 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब वोल्टेज इसमें ठीक आ रहे हैं। अब साथियों हम यहाँ से सीधा, ये स्विचिंग आईसी लगी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये स्विचिंग आईसी पर देखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरफ वाली पिन है साथियों, इसकी ग्राउंड है सोर्स मतलब, और एक प्रॉब हम सोर्स पर लगाएंगे और दूसरी प्रॉब हम ड्रेन पर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं 325 वोल्ट हमें यहाँ भी मिल रहे हैं। सोर्स और ड्रेन क्या होती है साथियों, सोर्स सीधी ही यहाँ नेगेटिव से कनेक्ट होती है इस वाली लाइन से जो प्रिंट होता है, और जो इसकी साथियों ड्रेन होती है वो इस कैपेसिटर के पॉजिटिव से ट्रांसफार्मर से घूमती हुई इसकी ड्रेन पर आ जाती है। तो ड्रेन वाली पिन जब ऑन होगी तो इसकी वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा, जिससे यह स्विच मोड ट्रांसफार्मर काम करेगा और आउटपुट में वोल्टेज देगा। तो अभी यह आईसी ऑन नहीं हो रही है, तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, चेंज करके देखते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं डिसोल्डर हमने कर दी है यहाँ से, अब हम इस आईसी को निकाल लेते हैं बाहर। तो साथियों हम इस आईसी को बाहर निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये टॉप की आईसी है TOP 267, वी पैकेज में है साथियों ये। तो हम ये आईसी चेंज कर देंगे इसकी, ये आप देख सकते हैं साथियों ये आईसी हम इसमें लगाएंगे। फटाफट से शोल्डरिंग करेंगे। शोल्डरिंग करते समय साथियों ध्यान रखें बहुत ज़्यादा शोल्डर ना लगाएं और गरम अच्छी तरह करें उसे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गरम करना शोल्डरिंग करते समय, अच्छी तरह से शोल्डर मेल्ट हो जाना चाहिए। शोल्डरिंग करने के बाद आप ये अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लें कि कोई भी पिन आपस में शॉर्ट ना हुई हो। आप मल्टीमीटर का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे हम इसको कंटिन्यूटी मोड पर लगाएंगे, और अगर कोई भी पिन आपस में शॉर्ट हुई होगी तो 0 ओम मिलेगा। आप देख सकते हैं मेगा ओम मिल रहा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किलो ओम में जा रहा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किलो ओम में मेगा ओम में जा रहा है, और ये तो बहुत दूर दूर है। ये सारी ग्राउंड है साथियों, ये सोर्स पिन है जो सीधी ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है, यहाँ पर ये कनेक्ट होनी चाहिए। कभी कभी इसका प्रिंट भी ब्रेक हो जाता है तो SMPS ऑन नहीं होती है। अब साथियों हम इसे ऑन करके देखेंगे, अब हम इसको पावर देकर देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं होता है, वोल्टेज बनते हैं या नहीं बनते हैं। आप देख सकते हैं रिले ऑन होने की आवाज़ आई, और यहाँ पर ये LED भी ब्लिंक कर रही है, एरर दे रही है। अब हम साथियों इसके वोल्टेज चेक करेंगे कौन कौन से वोल्टेज इसमें बन गए हैं। अगर इसमें कंप्लीट वोल्टेज बन गए हैं तो हम इसे चलाकर देखेंगे। मीटर को साथियों हम DC वोल्टेज पर लगा लेंगे, और एक प्रॉब अपनी ग्राउंड पर रख लेंगे, रेक्टिफायर की इस पिन पर भी रख सकते हैं आप, इस वाली पिन पर, ये नेगेटिव होता है, और यहाँ शंट पर भी आप रख सकते हैं। सबसे पहले साथियों हम इसके 5 वोल्ट देखेंगे वो ठीक है या नहीं है। तो साथियों आप देख सकते हैं 5 वोल्ट इसमें बिल्कुल ठीक आ रही है, और इसके बाद साथियों हम इसके 12 वोल्ट देखेंगे, ये आप देख सकते हैं 2003 IC है, तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट देखेंगे, यहाँ भी हमें 13 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद साथियों हम 15 वोल्ट चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं 15 वोल्ट इसमें नहीं आ रहे हैं, और इसमें मोटर ख़राब हुई थी तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट होकर के कुछ हो गया हो 15 वोल्ट में। इसके 15 वोल्ट साथियों यहाँ से आते हैं, ये आप देख सकते हैं ये इंडक्टर है, इस इंडक्टर पर आते हैं SMPS से, तो यहाँ भी नहीं आ रहे हैं,
इसके बाद साथियों ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है यहाँ पर लगी हुई है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी साथियों नहीं आ रहे हैं। रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं 14.66 वोल्टेज आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ यहाँ मिली वोल्ट आ रहे हैं 462 मिली वोल्ट, और इस रेजिस्टेंस के इस तरफ 14.66 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाली छोटी सी रेजिस्टेंस ख़राब है। तो साथियों रेजिस्टेंस लगाने से पहले हम देखेंगे 15 वोल्ट में कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, तो मीटर को हम लगा लेंगे साथियों कंटिन्यूटी पर रेजिस्टेंस मोड पर, और ग्राउंड और 15 वोल्ट के बीच में हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस हो साथियों किलो ओम में जा रही है, तो यहाँ तो कोई शॉर्ट नहीं है। अगर हम इस बोर्ड को उल्टा करके देखें तो साथियों अब हम देखते हैं जो इसकी 15 वोल्ट की रेजिस्टेंस ख़राब हुई है तो आगे कोई शॉर्ट तो नहीं है। तो हम देखेंगे ये वाला कैपेसिटर हमारा 15 वोल्ट का है, ये आप देख सकते हैं इंडक्टर लगा हुआ है जहाँ पर 15 वोल्ट आएगी। हम यहाँ चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कनेक्ट है यहाँ से, और ये हम 15 वोल्ट का कैपेसिटर चेक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं शॉर्ट आ रहा है इसमें। एक ओम से कम रीडिंग हमें देखने को मिल रही है, ये शॉर्ट आ रहा है। तो 15 वोल्ट पर साथियों ये जिनर लगा हुआ है यहाँ पर, ये जिनर चेक करेंगे हम तो ये शॉर्ट होगा। तो आप देख सकते हैं जिनर शॉर्ट है, तो पहले हम ये जिनर निकाल देते हैं। तो साथियों अब हम दोबारा से चेक करते हैं जो हमारा शॉर्ट आ रहा था यहाँ पर वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं अब रेजिस्टेंस हमें किलो ओम में मिल रही है यहाँ पर। इस कैपेसिटर पर चेक करेंगे, ये 15 वोल्ट का कैपेसिटर है, यहाँ से IPM को 15 वोल्ट मिलती है, तो अभी हमारा ये शॉर्ट ठीक हो गया। ये वाला कैपेसिटर साथियों सीधा ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है, ये आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है। तो हम इसको कनेक्टिविटी भी चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं है ग्राउंड के साथ, ग्राउंड का कोई भी प्रिंट हमें जला हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो IPM है साथियों, तो ये वाला IPM साथियों जो आप देख रहे हैं ये IPM STK551 है। इस IPM के अंदर इंटरनल शंट रेजिस्टेंस होती है, बाहर नहीं होती है। ये जो दो शंट आप देख रहे हैं ये दो शंट इन दोनों IGBT के लिए लगी हुई है, लेकिन IPM के लिए कोई भी शंट आप देख सकते हैं बाहर नहीं है, इस तरफ भी नहीं है और इस तरफ भी कोई शंट रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ से हमने ये जिनर डायोड तो निकाल दिया है, लेकिन इसकी शंट लगता है अंदर से ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाला जो प्रिंट है ये IPM के अंदर से आता है शंट से कनेक्ट होकर, यानी करंट को मॉनिटर करने के लिए कितना करंट एम्पियर IPM पर चल रहे हैं, तो उन एम्पियर को देखने के लिए यहाँ पर ये आउट आता है। तो ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट होना चाहिए साथियों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट नहीं है ये, इसका मतलब है इसकी अंदर की इंटरनल शंट रेजिस्टेंस ख़राब हो गई है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये दो कंपेरेटर IC लगी हुई हैं, तो इसका हम ग्राउंड चेक करेंगे, ये इसकी ग्राउंड पिन होती है 4 नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्ट है, और जबकि हम इसको मेन शंट के ग्राउंड के साथ देखेंगे तो ये यहाँ कनेक्ट नहीं है, जबकि पूरे बोर्ड का एक ही ग्राउंड होता है अगर शंट रेजिस्टेंस ठीक हो तो। तो साथियों इसका मतलब ये IPM की शंट ख़राब हो गई है, तो ये IPM तो ख़राब हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है, और यहाँ पर ये करंट मॉनिटर के लिए
तो हम इन दोनों को जम्पर कर देंगे, फिर बोर्ड हम ऑन करके देखेंगे। हम ये वाली नेगेटिव यहाँ पर देंगे, यहाँ पर। तो साथियों, हमने इसकी इंटरनल शंट रेजिस्टेंस को बाईपास कर दिया। अब ये वाली जो रेजिस्टेंस ख़राब हुई थी, ये आप देख सकते हैं साथियों, यह वाली रेजिस्टेंस है R64। यहाँ पर हम 1 ओम की रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1 ओम की रेजिस्टेंस ये लगा दी है। अब साथियों, हम इसे पावर ऑन करके देखेंगे सारे वोल्टेज आ जाते हैं या नहीं आते हैं। स्विच ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं ऑन हो चुका है, लेकिन ये वापस से बंद हो रहा है। एक बार ही ऑन हुआ, फिर वापस से बंद होने लग गया। तो साथियों, हम इसे फिर से चेक करेंगे। एक बार ही ऑन होके सप्लाई वापस से बंद हो गई। तो हम देखेंगे 15 वोल्ट में कोई शॉर्ट सर्किट बना है क्या। मीटर रेजिस्टेंस मोड पर लगाएंगे तो ये आप देख सकते हैं मोटर का कनेक्टर है यहाँ पर। ये 19 ओम की शॉर्टिंग आ रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 ओम हमें देखने को मिल रहे हैं, जो नहीं मिलने चाहिए। अभी रेजिस्टेंस तो हमारी लगता है बच गई है, ये भी चेक कर लेते हैं। और ये रेजिस्टेंस की दूसरी साइड, तो रेजिस्टेंस तो ठीक है साथियों। IPM को बाहर निकालते हैं फिर देखते हैं। यह आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको डिसोल्डर करेंगे तो इसकी वजह से हो नहीं पाएगा। तो ये पहले हमें पिनों में से सारा ग्लू हटाना पड़ेगा। IPM तो ये ख़राब ही है, तो इसकी पिनें कट करके निकाल लेते हैं, फिर ये ग्लू हट जाएगा आराम से। ये पिनें काट दी है हमने साथियों, और आप देख सकते हैं ST-K551 ये IPM है। इंटरनल शंट रेजिस्टेंस इसकी ख़राब हो गई है, और 15 वोल्ट वाला सेक्शन भी इसका ख़राब है। अगर ग्लू नहीं हटेगा तो फिर डिसोल्डर करने में दिक्कत होगी। अब हम वापस से चेक करते हैं इसमें, यहाँ जो हमें 15 ओम दिखा रहा था 16 ओम, तो दिखाता है या नहीं दिखाता है। तो आप देख सकते हैं अभी ओपन हो गया, किलो ओम में चली गई है रेजिस्टेंस, तो इसी की वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी। डिसोल्डर तो हम करते रहेंगे इसको, पहले हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं IPM निकालने के बाद ये ऑन हो गया। तो हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे सारे यहाँ से साथियों। हम रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर के यहाँ से हम नेगेटिव प्रोब लगा लेंगे, नेगेटिव पर रख लेंगे। और सबसे पहले हम 15 वोल्ट ही यहाँ पर मोटर पर चेक करेंगे आए या नहीं है। तो आप देख सकते हैं 15 वोल्ट यहाँ पर आ गए हैं। 5 वोल्ट और 12 वोल्ट हमारे पहले ही ओके थे, ये आप देख सकते हैं 12.78 वोल्ट आ रहे हैं, ये पहले से ही हमारे ठीक थे। 5 वोल्ट भी यहाँ पर ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये बोर्ड हमारा ठीक तो हो गया है, लेकिन इसका IPM ख़राब निकला है। पहले हमने इसकी SMPS को रिपेयर किया, फिर 18 वोल्ट का जीनर जो IPM के 15 वोल्ट पर लगा होता है वो ख़राब निकला, और फिर उसके बाद हमें ये जंपर देना पड़ा। ये जंपर देना ज़रूरी है। अगर इस बोर्ड का IPM आप बाहर निकाल देते हैं, और IPM बाहर निकाल कर आप इसको चलाकर देखना चाहते हैं, तो ये वाला जंपर लगाना ज़रूरी है। अगर जंपर नहीं लगेगा तो यहाँ पर जो कंपेरेटर लगे हुए हैं इनको ग्राउंड नहीं मिलेगा, बोर्ड ख़राब होने के चांस रहेंगे, 15 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर में चली जाएगी। तो ये IPM साथियों अभी हमारे पास है नहीं, ये IPM हम मंगाएंगे, इसमें लगा देंगे। अगर इसमें सिर्फ IPM लगाने से काम हो गया तो ठीक है, अगर कुछ और ख़राब निकला तो हम इसकी दूसरी वीडियो भी बनाएंगे। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।